हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल सेल्स के क्रिएशन। दोस्तों, अभी आप लोग जान रहे होंगे, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, अभी मकर संक्रांति का माहौल चल रहा है। दोस्तों, तो आज हम जो हम लोग का पीठा बनता है, जो है कि रोटी बनता है, जो आरिसा पीठा बोलते हैं, आरिसा पीठा हम लोग का केउंझर मयूरभंज ये सब में मकर में बनता ही है। तो आज हम वो पीठा बनाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाएंगे स्टेप बाई स्टेप हमारा पीठा कैसे बनेगा, और आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग देखते रहिए, लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला मेरा नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप लोगों तक पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, ये है अरवा चावल, जो है कि इसमें करीब 1 किलो क्वांटिटी का है दोस्तों, और ये पूरा रात भर भिगो के रखे थे और अभी सुखाए हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे ही पानी सूख जाएगा, पानी सूखने के बाद इसको ग्राइंडिंग करके हम इसका आटा बनाएंगे। तो अभी जैसे कि ये सूख चुका है, तो अभी इसको हम ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करने के बाद इसको फिर छान के हम फिर आगे का काम करेंगे। ग्राइंडिंग करने के बाद यहाँ हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी से बारीकी से पाउडर नहीं हुआ है, तो इसको फिर हम दोबारा इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा से जब पाउडर हो जाएगा तो इसको फिर हम निकाल के इसको छानेंगे। अब दोस्तों, यह पूरा पाउडर अच्छी तरीके से हो गया है दोस्तों। अब इसको निकाल के हमको ये छालनी से इसको छान कर इसको फिल्टर पूरा पाउडर वाला जैसा आटा उसको छान के हमको निकालना होगा। तो हम छान लेते हैं, छान लेने के बाद जो आटा निकलेगा उससे हमको बनेगा हमारा पीठा। जैसा गर्दा रहेगा तो उसको फिर ग्राइंडिंग करेंगे। तो हमारा देख रहे होंगे ये नीचे में आटा इसका जो फिल्टर होके गिर रहा है, जो कि पूरा पाउडर की फॉर्म में आ गया है। फाइनली दोस्तों, हमारा जो आटा तैयार हो गया है। अब इसमें गुड़, जैसा कि गुड़ 1 कटोरा और आटा 2 कटोरा, उस रेशियो में हमको इसको मिक्स करना है। हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को हम गरम करेंगे, हल्का थोड़ा सा पानी उसमें देंगे, ताकि हमारा ये जो मिक्स है वो नीचे ना बैठ जाए। इसीलिए थोड़ा सा हम हल्का पानी लेके गुड़ को मेल्ट कराएंगे, नहीं तो गुड़ क्या होता है कि कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो अब थोड़ा सा पानी लेके हम कढ़ाई में गरम करते हैं, फिर गुड़ डालेंगे। दोस्तों, गुड़ को भी बारीकी से काट लेना है, छोटा छोटा पीस कर देना है, ताकि मेल्ट होने में आसानी हो जाए। दोस्तों, एक कढ़ाई गरम है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। अब दोस्तों, गुड़ का भी सही मात्रा 1 कटोरा में मापी लेके हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे। दोस्तों, अभी हम यहाँ 2 कटोरा गुड़ लिए हैं, तो इसके हिसाब से अब जो चावल का आटा है वो 4 कटोरा यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। अभी इस गुड़ को हम तब तक धीरे धीरे मिलाते रहेंगे मेल्ट होने तक, जब तक ये पूरा घुल मिल ना जाए। और इसको ऐसे ही गरम धीमी आंच से करते हुए इसको हम मिलाते रहेंगे दोस्तों। उसके बाद ये जो आटा है इसको दबा के देखते हैं हाथ मुट्ठी में, जैसा ये अगर सेट हो जाता है, जैसे सांचा टाइप का बन जाता है, तो हमारा आटा जो है कि परफेक्ट तैयार हो गया है ये पीठा बनने के लिए। अब दोस्तों, हमारा गुड़ भी तैयार हो ही गया है लगभग। अब देखिए, जो पूरा हुदहुदी आ रहा है, तो इसमें पूरा ये पाग हो के एक तो चॉकलेटी टाइप का है, इसका जो फ्लेवर भी आ रहा है दोस्तों। तो अब ये हम एक पानी लेंगे, पानी में इसको टेस्ट करेंगे कि एक्चुअली गुड़ हमारा सही से पका है कि नहीं। तो थोड़ा सा गुड़ लेके हमें पानी का बर्तन जो है उसमें डाल के देखते हैं। जैसे ही गुड़ नीचे चला जाएगा दोस्तों, और उसको उंगली से उठा के देखना है कि ये पूरा सही से बना है कि नहीं। तो दोस्तों, अब ये हमारा पक्का तैयार हो गया है। अब इसमें हम आटा मिलाना शुरू करेंगे, तो इलायची का पाउडर भी इसमें थोड़ा डाल देते हैं इसका फ्लेवर के लिए। अब दोस्तों, इसमें धीरे धीरे हम 4 कटोरा जो है कि आटा जो है चावल का आटा, उसको हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और उसको हिलाते रह जाएंगे, इसलिए ढेला ढेला ना हो जाए।
मेरा तैयार हो गया है। इसको अब पकड़ के देखते हैं, जैसे कि हाथ में कोई ना चिपके। तो दोस्तों थोड़ा गीला है और थोड़ा इसमें आटा दे के इसको फिर से मिला लेते हैं, और जैसे ये पाग होगा जो कि हमारा हाथ में स्टिक ना हो, उससे तरह बन जाने के बाद हम फिर उसको पीठा बना के तालेंगे। अब दोस्तों ये आप फाइनली तैयार हो गया है। इसको हम पकड़ का भी दिखा रहे हैं आप लोग को। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, ये हमारा पूरा कंप्लीट रेडी हो गया है। अब तो अब दोस्तों हम कढ़ाई में घी लेंगे। घी लेने के बाद अब इसको अपना गोल गोल साइज के जो पीठा बनाएंगे और इसको ताल के निकालेंगे, और निकलने के बाद वो कैसा दिखता है दोस्तों ये चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों एक प्लेट में हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल लिए हैं जो कि पीठा में इसको हम चिपकाएंगे, और ऐसे पीठा को यहाँ दबा के इसे चिपक जाएगा, फिर उसको हम तालेंगे। दोस्तों अब मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, अभी हम पीठा डायरेक्ट बनाते हैं और आप लोग से फिर वीडियो का लास्ट में बात करते हैं। दोस्तों हमारा आरिसा पीठा फाइनली बन गया है। दोस्तों आप लोग देखें कितना आसान है पीठा बनाना। दोस्तों आप लोग भी घर में अपना बनाइए, खाइए। दोस्तों ऐसा चीनी का भी बनता है, और बनाने वाला प्रोसेस सारा सेम है दोस्तों। और ये जो पीठा बनता है दोस्तों, गुड़ का या चीनी का जो पीठा बनाते हैं, ये दोस्तों बहुत लंबा समय तक आप लोग यूज कर सकते हैं, ख़राब बिल्कुल होता नहीं है। इसे बना के इसको अगर बड़ा सा जार में अगर भर कर रख देते हैं तो ये आप 6 महीना के बाद भी खाएंगे तो ये आराम से खा पाएंगे, ख़राब होता नहीं है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों आप लोग देख पाए रहेंगे आज जो पीठा बना है, ये पीठा कितना ही प्यारा, कितना ही टेस्टी लग रहा है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय जगन्नाथ।